अस्सलामुअलैकुम। हमारा मसला ये है कि बी फार्म एम फार्म कंप्लीट करने के बावजूद हम कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से इजरा होती है या किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से इजरा होती है, उसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो मेडिकल असिस्टेंट्स की होती है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि एज़ पर फार्मेसी एक्ट 1948 क्लियरली है कि फार्मासिस्ट वही शख्स है जिसके पास या तो बी फार्मा की डिग्री हो या फार्मडी की डिग्री हो या उसने डिप्लोमा फार्मेसी किया हुआ हो। अब इस सूरत में अगर हम कहीं पे अप्लाई करके एग्ज़ाम दे भी देते हैं और उस एग्ज़ाम में जो सवालात पूछे जाते हैं उनका फार्मेसी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता है। पहले ही अगर आप पेपर्स उठा के देख लें वो वाज़ह कर देंगे कि ये उनका फार्मेसी के साथ कोई लेना देना ही नहीं होता है उन सवालात का। अब खैर, उन पेपर्स को आप क्वालिफाई भी कर लेते हैं, आगे जाके आपको इंटरव्यू वगैरह में ड्रॉप किया जाता है बाय साइटिंग वन रीज़न कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं। अब ये बताएं मुझे कि बी फार्मा का बंदा कैसे ओवर क्वालिफाई है, ये तो सीधे साधा जुल्म है हमारे साथ। कहीं भी देख लें, आउटसाइड स्टेट कहीं पे जो भी पोस्ट निकलती है, एम्स हो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होती है? आपका या तो डिप्लोमा होता है इन फार्मेसी या आपका बी फार्मा या फार्मडी। लेकिन जब कश्मीर की बात आती है, यहाँ पे ये जुल्म क्यों? हमारे इतने कलीग्स परेशान बैठे हैं, लीगल बैटल्स लड़ रहे हैं क्योंकि डिस्पाइट क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम्स उनको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि उनको ओवर क्वालिफाइड कंसिडर किया गया है। और रही बात मेडिकल असिस्टेंट्स की, वो हमारे भाई और बहन हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो फार्मासिस्ट नहीं हैं, उनका अलग जोन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर सेक्टर में, उनका अपना जोन है, उनको अपने जोन के लिए लड़ना है, अपने जो उनका स्ट्रीम है, जो उनकी फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब्स की जनरेशन के लिए लड़ना है। एंड इफ़ दे वांट रजिस्ट्रेशन और समथिंग लाइक दैट, दे वांट टू बी कॉल्ड एज फार्मासिस्ट्स, उनको लड़ना चाहिए कि वो कोई ब्रिज कोर्स वगैरह परस्यू करे या कोई ऐसा ब्रिज कोर्स इनिशिएट हो जाए उनके लिए जिसकी वजह से वो एट पार आ जाए विद डिप्लोमा फार्मेसी। बट एज़ ऑफ नाउ ये हमारे साथ बहुत ये किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जो नोटिस आती है उसमें एलिजिबिलिटी 10th पास है, बट बी फार्मा नहीं है। क्या है ये सिर्फ हमारी स्टेट में क्यों हो रहा है? और जब सेंट्रल लॉज एक्सटेंड हुए हैं टू कश्मीर, ऑब्वियसली एजुकेशनल जो रेगुलेशंस हैं वो भी नाफिज होनी चाहिए।